सो आज की इस रूम फ्रेंड्स दिखाने वाला, अगर आपने अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराया है तो या ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर आधार सेंटर में जाकर आया तो उसका स्टेटस कैसे जानेंगे, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं हुआ, इसका क्या रिजल्ट है, क्या प्रोसेस है, आज की इस रूम में जानेंगे। क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई का मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक कराया तो उसका स्टेटस जानेंगे, यानी कि वो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या रिजल्ट है, क्या प्रोसेस है, सारी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला। अगर आपके आधार कार्ड साथ मोबाइल नंबर लिंक हो भी जाता है तो कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, कैसे आधार कार्ड को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे से लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, बैलिंग को प्रेस लेटेस्ट वीडियो नोटिफिक सबसे पहले देखने के लिए। आपको कोई सा भी साइट में आ जाना पड़ेगा, इसमें टाइप करना पड़ेगा myaadhar.uid.gov.in। इसका डेल इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको उस पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, नीचे में देखेंगे देखिए माई आधार किसी पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको नीचे में शो हो जाएगा, चलिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे देखिए वेलकम टू माई आधार, यानी कि ये आधार कार्ड से ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ से आप कोई भी काम आधार कार्ड से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना हो, नेम में, एड्रेस में, जेंडर में, किसी तरह कनेक्शन है, डाउनलोड आधार करना हो, ऑर्डर पीवीसी आधार करना हो, यहाँ पे लोकेशन देखना हो, बुक माई अपॉइंटमेंट करना हो, यानी कोई भी काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसका स्टेटस चेक करने के लिए देखिए सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे देखिए 14 डिजिट का आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर आपको मिला है, यानी कि जब भी आपने आधार सेंटर में जाकर अपने मोबाइल नंबर लिंक कराया होगा या आपने ऑनलाइन कराया होगा तो वहाँ पे आपको एक स्लिप मिला होगा। स्लिप मिलने में इसमें आपको रिक्वेस्ट नंबर आपको वहाँ मिला होगा, रिक्वेस्ट नंबर डालेंगे, नहीं तो आपके मैसेज में रिक्वेस्ट नंबर आ जाता है, वो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे आपको फिल करेंगे। एनरोलमेंट आईडी और SRN नंबर या URN नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जो आपको मिला है। इसके बाद ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, इसके बाद आपको देखिए डायरेक्ट सबमिट के बटन पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे इस तरह का डिटेल्स आपको खुलकर यहाँ पे रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने आधार कार्ड साथ मोबाइल नंबर लिंक कराया होगा तो वहाँ पे जब आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा वहाँ पे आपको अंडर प्रोसेस आपको वहाँ पे दिखलाएगा, यानी कि आपका अंडर प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपका काम जारी आपके आधार कार्ड के साथ वहाँ पे हो रहा है। जब आधार कार्ड साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा आपको इस तरह का मैसेज आपको खुलकर रिडायरेक्ट यहाँ पे करा दिया जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे ये बतला रहा है योर आधार हैज़ बिन जनरेट विल योर आधार इज बेसिड प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम यू आई डी, यानी कि ये बता रहा है आपका आधार कार्ड साथ मोबाइल नंबर लिंक कर दिया गया, अब आधार कार्ड को यहाँ पे ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इस पोर्टल पे, यहाँ पे देख सकते www.uidi.gov.in। इस साइट पे जाके अपना आधार कार्ड को डाउनलोड आप जाकर कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक कर दिया गया है, अगर आपने ऑनलाइन कराया या आपने आधार सेंटर में जाकर कराया तो वो आपका यहाँ पे लिंक हो चुका है। अगर आपका लिंक नहीं हुआ तो वहाँ पे आपको अंडर प्रोसेस पहले आपको दिखला देगा क्योंकि आपका लिंक वहाँ पे नहीं हुआ। जब आपका लिंक आपको हो जाएगा तो आपको इस तरह का यहाँ पे मैसेज खुलकर दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको, मैं लाइव आपको दिखला रहा हूँ क्योंकि ये मेरे छोटे भाई का आधार कार्ड है, इसे मैंने अपने खुद का मोबाइल नंबर लिंक कराया था। ये मोबाइल नंबर लिंक होने में कितना टाइम लगा मैं आपको बताइए, क्योंकि ये मोबाइल नंबर लिंक होने में मुझे दो से ढाई महीने के लगभग मुझे यहाँ पे टाइम लग चुका है, क्योंकि आपको भी इतना टाइम यहाँ पे लग सकता है, 2 से 2.5 या 3 महीने तक का टाइम रहता है लास्ट यहाँ पे आधार कार्ड बनवाती है तो, या आधार कार्ड में किसी तरह कनेक्शन करवा सकती है, आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करवाते हैं तो 2.5 से 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2.5 महीना ये मोबाइल नंबर लिंक होने में यहाँ पे आधार कार्ड में लग चुका है यहाँ पे। चलिए अब किस तरह आधार कार्ड डाउनलोड करना मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखला देता हूँ। इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पेज पे मैं यहाँ पे बैक कर ले रहा हूँ यहाँ से मैं। अब चलिए यहाँ पे लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसे हमें जैसे क्लिक करेंगे अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे, इसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। अब देखेंगे खुलने के बाद इस तरह का ऑप्शन खुल कर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप किस लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश तमिलनाडु किस में यूज करना चाहिए वो चूज़ कर लेंगे। चलिए मेरा यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट है। अब देखिए इसके साइड में देखिए आपके फोटो यहाँ पे आधार कार्ड का लोगो आपको दिखा देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका आधार कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, जो आपका यहाँ नेम है, देखिए मेरे छोटे भाई का आधार कार्ड है, इसका नेम डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है यहाँ पे, इसके देखिए आधार नंबर शो हो रहा है यहाँ, देखिए इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फिलिप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके बैक साइड की पूरी डिटेल्स आपको आधार कार्ड का यहाँ पे शो करा दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से देख सकते हैं। और भी चीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर PVC आधार कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड में कनेक्शन कर सकते हैं, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस में किसी तरह कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए ये लिंक आधार स्टेटस अभी बंद करिए हुआ है। देखिए वर्चुअल आईडी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लॉक बायोमेट्रिक यानी कि अपना अंगूठा लॉक
अनलॉक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं, ऑफिशियली केवाईसी, यहाँ पेमेंट हिस्ट्री, जो भी अगर पीवीसी आधार कार्ड मंगाते हैं तो यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माय हेड ऑफ फैमिली एच ओ एफ रिक्वेस्ट, इसका देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, देखिए डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ऑप्शन खुलकर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा आपके पे सामने। थोड़ा टाइम यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे किसी इशू कारण वहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। जो कि ये छोटी सी वीडियो थी आधार कार्ड से स्टेटस चेक करने के लिए। अगर ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।